नवरात्रों में जितना महत्व कलश स्थापना का है, उतना ही महत्व कलश विसर्जन का है। आपको ये चीज़ें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुहूर्त का बहुत महत्व होता है और शुभ के चौघड़िए, लाभ के चौघड़िए या अमृत के चौघड़िए आपको देखने चाहिए। और पूरा विस्तार से जानने के लिए वीडियो देखिए। और कलश में ऐसी क्या चीज़ आपको डालनी है जो करोड़ों रुपये ज़िंदगी भर आपके आंगन में आते रहें और आप लाइफ को एंजॉय करते रहें। ऐसा कोई भी दिन ना हो जब आपके जीवन में खुशियां ना आए। तो इसी के रास्ता मैं आज आपको बता रही हूँ। खुशियों से सराबोर होगा आपका जीवन और सारी ज़िंदगी आप मौज मस्ती करेंगे, खुशियों को आनंद के सहित मनाएंगे। ये आपका जो खुशहाली का बिंदु है हमने आज उठाया है और हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कलश के माध्यम से आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको पता चल सके कलश के विसर्जन के वक्त भी कुछ चीज़ें डाली जाती हैं जिससे आपको फ़ायदा हो सके, आप करोड़ों में खेल सकें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आई होप मेरे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा उनके साथ में होती है। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपको बहुत काम का साबित होने वाला है। कलश यानी कि कुंभ ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है और ब्रह्मांड का भी आकार घट के समान है। इसमें समस्त सृष्टि का समावेश माना गया है। इसी कारणवश किसी भी पूजा पर्व अवसर पर कलश स्थापना का विधान है। इसके बिना कोई भी मंगल कार्य आरंभ नहीं किया जाता है। नवरात्र स्थापना में कलश स्थापना का विशेष मुहूर्त होता है और उसी में स्थापित की जाती है कलश स्थापना। प्राय आप तांबे का कलश काम में लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है, लेकिन मिट्टी या आप अफोर्ड कर सकते हैं तो सोने या चांदी का कलश भी प्रयोग में ले सकते हैं। शास्त्रों में कलश के आकार का भी वर्णन किया गया है। इसमें मध्य में 50 अंगुल चौड़ा और 16 अंगुल ऊंचा और नीचे 12 अंगुल चौड़ा और ऊपर से 8 अंगुल का मुख होना चाहिए। ऐसा कलश सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कलश में कुछ चीज़ें आप डालते हैं तो ज़बरदस्त आपको लाभ होता है। आज का केंद्र बिंदु यही है। कलश विसर्जन के समय आप मुहूर्त भी देख लीजिए और मुहूर्त आपको नहीं मिले, क्योंकि वर्किंग लेडीज़ होती हैं कई बार और उनको पता नहीं होता कि कलश का विसर्जन कब करना है, तो आपने जो चौकी स्थापित करी है, जो कलश स्थापना की है, उनको थोड़ी देर हिला डुला लें। एक बार हिला लें तो सभी देवता या देवी जिनकी आपने स्थापना की है वो अपने अपने स्थान की ओर मूव करना चालू कर देते हैं और विसर्जन में आप कभी भी विसर्जन कर सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। कलश को भूमि पे नहीं रखना चाहिए। इसको रखने से पूर्व भूमि की शुद्धि करनी पड़ती है और आपको अष्टदल कमल बनाकर ही आपको इसको रखना चाहिए। धान्य के ऊपर भी आप इसको रख सकते हैं। सामान्य तौर पे कलश जल से भर के रखा जाता है और विभिन्न अनुष्ठानों में इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम आज खास चीज़ें आपको बता रहे हैं जिनको आप कलश में डालते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। आप नवमी और अष्टमी के दिन भी ये डाल सकते हैं और विसर्जन के समय उससे पहले भी ये चीज़ डाल सकते हैं। मतलब कुल मिला के नवरात्रे होने चाहिए और नवरात्रे विसर्जन से पहले आपको कलश में ये चीज़ें डालनी चाहिए। इससे आपका प्रयोजन पूरा होता है और आपका लाभ का समय आ जाता है। विभिन्न प्रयोजनों के लिए कलश में कुछ चीज़ें डाली जाती हैं, आज इसी की चर्चा करने जा रही हूँ। जानकारी पसंद आए तो सबसे शेयर करके पुण्य लाभ कमाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जय माता दी और ओम नमः शिवाय अवश्य ही प्रेषित करें। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको धन का लाभ लेना है तो कलश में मोती डालें या कमल दल डालें, इससे आपको धन लाभ होगा। विषय भोग पाना चाहते हैं तो वस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। कलश में एक रुमाल भी आप डाल सकते हैं। विजय प्राप्ति के लिए अपराजिता का पुष्प या डाली डालें, इससे आपकी हर जगह विजय प्राप्त होती है। किसी का उच्चाटन करना हो तो व्याघ्री कलश में डालनी चाहिए उसका नाम लेकर। जिस किसी का भी आप वशीकरण कर रहे हैं उसके लिए मोर पंखी डाली जाती है। हम मारण की विधि नहीं बता रहे हैं कि मारण हेतु क्या डालना है, क्योंकि ये पाप है। अन्य अनुष्ठानों में कलश में जल के स्थान पर भस्म भी डाली जाती है।
आकर्षण के लिए धतूरा भरने का विधान है। इन सब चीज़ों से आपको फ़ायदा होता है। लेकिन कलश में अगर आप एक सिक्का डालते हैं और गोमती चक्र डालते हैं तो आपको धन संपदा प्राप्त होती है और आपको लाभ ही लाभ मिलता है। कलश के अंदर पंच पल्लव आप डालते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। कलश के अंदर एक सिक्का भी डाला जाता है जिसको डालना बहुत शुभ होता है। कई कई लोग कलश को गणेश जी का भी प्रतीक मानते हैं। अगर घर में वास्तु दोष है तो ईशान दिशा में तांबे का कलश आपको रखना चाहिए। इसमें एक मूली में मोती पिरोकर कलश के गले पे बांधें। स्नान के पश्चात स्वच्छ जल भरें। इस जल में नित्य तुलसी दल डालते हैं तो आपका घर का वास्तु दोष स्वतः ही नष्ट हो जाता है, दूर हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप कलश में चार जल से भरे हुए कलश वीराने में रखें। दूसरे दिन उसमें जो खाली मिले उसे घर लाएं, बाकी तीनों को जल से खाली कर वहीं छोड़ दें। घर लाए हुए कलश को एकांत स्थान में पूजा घर में रख के धूप देव नित्य देते चलें। इससे आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा और लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में निवास करेगी। नवरात्र पूजा में कलश का विशेष स्थान है। कलश को जल से पूरा कर लेना चाहिए, उसमें सुपारी डालनी चाहिए, 1.25 रुपया डालना चाहिए, कुछ धूप डालनी चाहिए, पंच पल्लव डालने चाहिए और आम के पत्ते डालने चाहिए और कलश के ऊपर 5 या 9 कुमकुम से बिंदी बना लेनी चाहिए। इसके बाद लाल वस्त्र नारियल से लपेटकर कलश के ऊपर रखना चाहिए। ये बहुत शुभ प्रक्रिया होती है और इसका आपको ज़बरदस्त फ़ायदा भी मिलता है। आपको ये मंत्र नित्य बोलना चाहिए। ओम नारायणाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः। ये आचमन मंत्र है जो आपको डेली जपना चाहिए या आप उठते बैठते भी जप सकते हैं, लेकिन डेली जपना चाहिए। जब जब भी पूजा करते हैं ये आचमन अवश्य किए करना चाहिए। कलश स्थापना से पहले पृथ्वी पर हाथ से स्पर्श करना चाहिए। दाहिने हाथ से भूमि को भी स्पर्श करना चाहिए। जिस स्थान पर कलश की स्थापना करनी होती है उस स्थान पर ध्यान रखना चाहिए और ये मंत्र पढ़कर आपको सप्त धान्य बिखेर देने चाहिए। मंत्र भी बता देते हैं। ओम भूरसी भू भूमिरस्य दितिरसी विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धरत्री पृथ्वी यक्ष पृथ्वीं द्रवम ह पृथ्वीं माही गम सिंह। ये मंत्र पढ़ना चाहिए। कलश के चारों तरफ और मिट्टी में जौ बो देने चाहिए। धान रखने के बाद सुसज्जित कलश की स्थापना करते हुए ये मंत्र बोलना चाहिए। कलश में जब जल भरते हैं वो ये मंत्र पढ़ना चाहिए। ओम वरुणो वरुण स्योतम भी नसी वरुणस्य स्कंभ सर्जनीस्थो व्यय रुणस्य ऋत सदनमसी। कलश में चंदन सभी औषधियाँ सतवारी दूब पंच पल्लव सप्त मृतिका और गंगा जी की बालू डालनी चाहिए। सुपारी पंचरत्नी द्रव्य मतलब सिक्का गंगा जल आदि भी डालना चाहिए। कलश के ऊपर पूर्ण पात्र चावल से भरा हुआ, पीला चावल भी डाल सकते हैं, उसके ऊपर लाल कपड़े से लपेटा हुआ नारियल रखना चाहिए और अखंड ज्योति की स्थापना करना चाहिए। कलश में सभी देवताओं का ध्यान करके आह्वान करना चाहिए। अक्षत पुष्प कलश में छोड़कर विष्णु ब्रह्मा महेश तीनों देवों को नमस्कार करना चाहिए और वरुण देवता का भी आपको नमस्कार करना चाहिए। तो कलश का विधि विधान बहुत व्यापक है और संक्षेप में समेटने का प्रयास नहीं किया जा सकता। तो कलश ब्रह्मांड का प्रतीक है और कलश के विसर्जन में आपको ये ध्यान रखना है।
कि जो जो चीज़ें हमने आपको बताई है उसको विसर्जन से पूर्व ही कलश में डाल दीजिए तो मान्यता आपको मिल जाएगी पूरी और पूरा लाभ आपको मिल जाएगा। जिस भी उद्देश्य के लिए आपने कलश की स्थापना की थी उसको दोहराएं और अपनी शुभता की कामना करें और फिर विसर्जन करते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। और कलश को थोड़ा हिला दीजिए, जो विसर्जन का समय अच्छे टाइम पे विसर्जन करना चाहते हैं तो वो कलश को थोड़ा सा हिला दें चौकी से उठाकर, तो वो मान्यता मिल जाती है और आप किसी भी समय विसर्जन कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना। हम हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा और आपको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई होगी। थैंक यू सो मच।